कराची किंग्स अब ऐसी टीम बन चुकी है जो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने 11 खिलाड़ियों को इकट्ठा कर लूं, अपने गली के लौंडों को, और मैं खेलने के लिए जाऊं ना, तो कराची किंग्स को हरा सकता हूं। वो अलग बात है कि रिजल्ट कुछ और आए, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त आ गया है। क्योंकि कराची किंग्स ना किंग्स तब तक थी जब तक कि वहां पे बाबर आजम खेला करते थे। अब ना कराची किंग्स है, बस कराची बनके जो है ना रह गई है। सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं जैसे ठीक हूं, स्वस्थ, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्रांड वीडियो। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है, सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है बाबर आजम वर्सेस कराची। कह तो नहीं सकते कि बाबर आजम कराची के खिलाफ है, बट हाँ, कराची बाबर आजम के खिलाफ थी, और शायद वो अब इस चीज को रिग्रेट कर रही है। बिकॉज बाबर आजम इज अ डायमंड, और उनकी लाइक बाबर आजम की परख उन्हें थी नहीं तब, लेकिन उस वक्त भी वो पीके पे थे। बस उन्हें मुलजिम बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया अदालत में कि ही इज जस्ट द ओनर हु ओन द क्राइम ऑफ बीटिंग और लाइक लूजिंग ऑल द वे टू कराची। सो यार, बात सिंपल सी है भाई, यो बाबर आजम की कदर ना करते, बाबर आजम की कदर करते ना, तो आज वो पिशावर को जिताने के बजाय कराची को जिताने में लगा रहता। लेकिन पठानों को हीरो की कदर होती है, क्योंकि यू नो ऑल द पठान्स आर लाइक समवेयर ऑन हाई रैंक्स। सो उन्होंने बाबर आजम को कैच कर लिया अपनी टीम में लाकर, उन्हें स्ट्रेटली ओहदा दे दिया कप्तानी के आगे, ले भाई तू कप्तान है और संभाल पठानों की टीम को, और देख ले इज्जत कितनी मिल रही है, देख ले यार क्या मायार है बनने का। खुश है, दिल से खुश है, लिटरली दिल से खुश है। बाबर आजम ऑफिशियली है लाहौर का, उसे पिक किया था कराची ने, बट कराची वाले ने उसकी इज्जत नहीं की, कहा यार तू लाहौर है, तू जा निकल हमारी टीम से। लेकिन आज खुद ही देख ले, वो बंदा जो है ना चाह रहा है, उसकी टीम चाह रही है, और आप लोग जो है जलील हो रहे हैं। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द कराची थर्ड कंसेक्यूटिव लॉस। कैसे लॉस? सो आज देखना ये कि कराची वालों पे अविनाश अर्नियाल क्या कहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइक बाबर है, बाबर के फैन है, क्लासिक फैन है, लेकिन कहते क्या कराची के बारे में कि उन लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, बिकॉज यू नो बेटर देन अस। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर वीडियो। कराची किंग्स अब ऐसी टीम बन चुकी है जो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने 11 खिलाड़ियों को इकट्ठा कर लूं, अपने गली के लौंडों को, और मैं खेलने के लिए जाऊं ना, तो कराची किंग्स को हरा सकता हूं। वो अलग बात है कि रिजल्ट कुछ और आए, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त आ गया है। क्योंकि कराची किंग्स ना किंग्स तब तक थी जब तक कि वहां पे बाबर आजम खेला करते। अब ना कराची किंग्स है, बस कराची बनके जो है ना रह गई है, और कराची किंग्स का हाल वैसा ही हो गया है जैसा अक्सर आईपीएल में हम लोग आरसीबी को देखा करते हैं। बस हार ही रहे, प्लेयर तो अच्छे थे पर हारते हैं, ट्रॉफी जीतने की तमन्ना करते हैं, लेकिन हाथ में मिलता है उनके लहसुन और प्याज। दरअसल में यही हाल हो चुका है। लहसुन और प्याज एक वक्त ना पीएसएल की वन ऑफ द फाइनेस्ट और बैलेंस टीम हुआ करती थी, और इस टीम में बड़े बड़े स्टार खेला करते थे, एलेक्स सेल्स हो गए, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इमाद वसीम, अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस टीम में शरीक हुआ करते थे, पार्टिसिपेट किया करते थे, इस टीम का वो हिस्सा थे। लेकिन इस समय कराची किंग्स का हाल कुछ ऐसा है कि ये खेल इसलिए रही है ताकि दूसरे टीम को जिता सके, ये दो पॉइंट्स दे सके। लाहौर कलंदर्स तो वैसे ही इस बार पीएसएल के मूड में नहीं है, नॉकआउट राउंड से बाहर हो गई है। अब कराची किंग्स भी उसी के साथ कदम पे कदम मिला रहे हैं, और दिलचस्प बात यह है कि शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान है, और शाहिन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान की टी20 टीम के कप्तान है। ओडीआई के कप्तान की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ओडीआई टीम ओडीआई मैचेस भी नहीं खेल रहा है, तो इसी वजह से। और दोनों कप्तानों का बुरा हाल, मुझे याद है जब बाबर आजम कप्तानी से हटे थे ना, तो कराची मीडिया माफिया ये बात लगातार चला रही थी कि नेचुरल कप्तान है, अंग्रेजी बहुत अच्छा जानता है, बोर्न लीडर है, मतलब पैदा होते ही ये जो है ना कप्तान बने okay. इस टाइप की जो है ना इनमें स्किल्स है, स्किल्स तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को दिख रहा है कि आपकी टीम में जेम्स विंस, जिनके 10,000 से ऊपर T20 रन है, टीम साइफर्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 बैटर, आपके पास शोएब मलिक जिनके 13,000 से ऊपर रन है, लुइस डुप्लोय जो कि साउथ अफ्रीका T20 लीग में बहुत जबरदस्त रन बना रहे थे,
चार प्लेयर तो आपके ऐसे मैंने गिनवा दिए जो कि अच्छा खासा टी ट्वेंटी स्पेशलिस्ट है, और इनसे अगर आप बेस्ट नहीं निकलवा पा रहे हो तो भैया कहा के नेचुरल फिर कहा क्या? अगर अंग्रेजी ही बोलना कप्तानी करने का पैमाना है तो भैया ऐसे अंग्रेजन कप्तान को जो है ना इंग्लैंड भेज दो, पाकिस्तान में उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज क्या हुआ, आज एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। 20 रन से जो है ना मुल्तान सुल्तान ने हरा, 7 मैचों में 6 मैचों में जीत हासिल की है, एक मैच जो हारा है वो है बाबर आजम की टीम, टोटल हो गए 12 पॉइंट, और क्वालिफाई करने से सिर्फ एक कदम जो है ना मुल्तान सुल्तान की टीम जो है अब दूर है। वहीं पर कराची किंग्स की टीम जो है ना इस समय 6 मैचेस खेली है, 4 मैचेस और खेलना है, और 6 मैचों में इनके सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट, मतलब दो जीते, मतलब दो जीत हासिल की जिसमें एक जीत जो चार हारे टीम के अगेंस्ट था, और उसी जीत को इतना ज्यादा भव्य बनाया गया, इतना ज्यादा शोएब जट और कराची मीडिया माफिया के द्वारा दिखाया गया जैसे कि कौन सा पहाड़ तोड़ दिया हो और क्या क्या नहीं कर दिया हो। बातें बड़ी बड़ी होती है, बातें बड़ी बड़ी होती है कराची किंग्स की, और इनके जो मीडिया के लोग हैं जो कराची को सपोर्ट करते बड़ी बड़ी कर, लेकिन काम अब माफिया नहीं है वो अलग बात है, लेकिन यार अब मैं आपको दिल बहुत करते हैं और टीमों को अलग बड़ा चढ़ाकर खुद की बड़ाई बहुत करते हैं। ये काम लाहौर में भी था और लाहौर का हाल निकला, 55 रन से हारा, फिर उसके बाद लगातार दो जीत हासिल किए, एक पेशावर और एक लाहौर कलंदर्स के, पेशावर से तीन हार का सामना करना पड़ा है, इस्लामाबाद क्वेटा और मुल्तान से ये लोग हार गए हैं, और अगला मैच फिर क्वेटा के साथ है, किसका, कराची किंग्स का। शान मसूद का, वो अभी तक ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट मोड से बाहर नहीं आए, वो बाहर ही नहीं आए, और मिला के अभी तक 6 मैच खेला होगा, मिला के आप गिन लीजिएगा ना तो 100 रन भी नहीं बनाया होगा, एक पचासा भी नहीं मारा है भाई साहब ने। 29 बॉल पे 36 रन की पारी आज खेली है, 5 चौका लगाया है, और ओसामा मीर ने इनको बोल्ड किया है, एक पचासा तक नहीं आया इस बंदे का इस पीएसएल अभी तक में, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि आगे आएगा भी कि नहीं आएगा। टीम साइफर्ट आपके ओपनर बल्लेबाज, उनसे खेला नहीं जा रहा, रन आउट हो रहे हैं वो। जेम्स विंस का बल्ला जो लास्ट सीजन अच्छा खासा बोला था, वो इस बार पूरी तरह से खामोश है, पिछले में शायद 48 तक ही थे, नहीं पता कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि फील्ड पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, फील्ड के बाहर बहुत चीजें ये कर रहे हैं और वहां पे वो हिट है, फील्ड पे तो एकदम बेकार है, जब से इन्होंने शादी की है तब से और ज्यादा इनका फॉर्म जो है ना वो खराब है। मुझे लग रहा है कि लोगों की बददुआएं लग गई, शायद हो सकता है कि सानिया मिर्जा की भी बददुआएं लग गई हो, इसी वजह से इनका फॉर्म, और वैसे भी 43 साल का ये बंदा हो चुका है और अभी भी बोलता है कि मैं T20 विश्व कप खेलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ना 6-pack abs है, ऐसे बॉडी बिल्डिंग करना है इनको शोएब मलिक को, ठीक है। अभी तक इनके बल्ले से भी ढंग से रन कोई मैच जीता हो पारी ये बोलो कि बहुत अच्छे तरीके से खेल दिया हो, नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करना है यार, एग्रेसिवनेस बहुत अच्छा खेलते हैं। 19 बॉल में 23 रन बनाया, और ये भी जो है मैच फिनिशर की भूमिका अदा की है, अभी तक नहीं हुआ है ना। अब मोहम्मद नवाज 17 बॉल में 27 रन, ठीक ठाक इनका प्रदर्शन रहा है, लेकिन वो प्रदर्शन से टीम को इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, मतलब कि यहां से करो या मरो वाला सिचुएशन हो चुका है ऑलरेडी, किसका, कराची किंग्स का, एंड आई डोंट नो कि आगे क्या होगा कराची किंग्स का, लेकिन ये टीम पूरी तरह से बर्बाद कोलैप्स कर गई है, सिंपल बात है, कोलैप्स कर गई है कराची, बर्बाद हुई है। जिस तरीके से आईपीएल में एक टाइम दिल्ली डेयरडेविल्स के पास एबी डिविलियर्स, सहवाग, गौतम गंभीर, बड़े बड़े बल्लेबाज हुआ करते थे, डेविड वार्नर, और धीरे धीरे सब हटके जो है ना कोई आरसीबी में चले गए थे, कोई सनराइजर्स हैदराबाद, बाद में हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद तो उसमें चले गए थे, ये वाला हाल हो गया है। और पॉइंट टेबल में लाहौर और कराची के बॉटम है, जबरदस्त टक्कर है, बोल रहा है भैया हम नीचे रहेंगे तो हम नीचे रहेंगे, तो इस तरीके से हाल है। जरा सा भी सहानुभूति, सिंपैथी नहीं है मेरा कराची के फैंस के लिए, क्योंकि कराची के जितने भी फैंस हैं, मैंने जानता हूं कि जब बाबर आजम कप्तान हुआ करते थे जबरदस्त तरीके से बोला गया, तो कराची को अभी भी शुक्रगुजार होना चाहिए, अभी भी शुक्रगुजार, बाबर आजम तुम्हारे लिए लकी बाबर ने उनको एक ट्रॉफी जिता, ऑफ कोर्स,
और उसका अभी तक शुक्रिया अदा नहीं किया है, जबकि उसके पीछे मीडिया को छोड़ दिया है जो दिहाड़ी करते रहते हैं 4 रुपए 5 रुपए 500 रुपए 200 रुपए पे। तो भैया ऐसे में तो खेल आपका होने से रहा। बाकी मुल्तान सुल्तान के लिए यार उस्मान खान ने बड़ा गजब का प्रदर्शन किया, बहुत बंदे ने प्रूव कर दिया है 2 मैचों में, तो इसने प्रूव कर दिया है कि हम यहाँ पे ना टिकने के लिए आए हैं। ये नहीं कि आप एक मैच में अच्छा कर गए 2 मैच में, ना, इन्होंने 2 मैच में जबरदस्त इनिंग खेली है, एक में सेंचुरी और एक में 96-97 का इन्होंने उस मैच में सेंचुरी फिक्स थी बट आउट हो गया। उस मैच में शतक बनाने से चूक गया, इस मैच में नहीं चूक और वही शॉट पिन लगाया, तरीके से हाल रहा है। बात बाकी भगवान भला करे, गजब का जो है आज मैच हुआ है मुल्तान सुल्तान के गेंदबाजों के द्वारा और मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाजों के। यार बॉलर ने थोड़ा रन दिए। So, यार वीडियो एंड होने के बाद बस सिंपल सी और सच है कि यार बाबर आजम जब तक थे ना तो कराची की मतलब ठीक है हार रहे थे बट वो मुकाबला कर रहे थे, यहाँ पर ये लोग हार रहे बट दे आर नॉट कम्पीटिंग टू द ओपोनेंट दे हैड और दे आर हैविंग टू बी इन द टूर्नामेंट, क्योंकि कराची किंग बाबर आजम के साथ लग रही थी कि स्टेबल है। इमाद वसीम, मोहम्मद आमर और बाबर आजम ये तीनों जब कराची छोड़ गए ना तो समझो कि कराची का जवाल शुरू, क्योंकि कराची के पास ऐसे कोई नाम नहीं है। मोहम्मद नवाज स्ट्रेट क्लियरिटी के प्लेटिनियम का खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी, डायमंड के प्लेटिनियम जो भी हो बट बंदे में वो एबिलिटी नहीं है जो कि इनिंग बिल्ड कर सके या आपको बस ये हर मतलब हर मैच में विकेट ला कर दे सके। नो नो नो, आमिर में अब भी देख ले क्या फॉर्म लगी है बंदगी, बाबर आजम की अब भी देख ले क्या फॉर्म लगी है। इमाद वसीम चलो वो बेचारा फिट रहा है, वो मतलब लाइक कह सकते कि वो लाइक अभी तक वो मूड जो है ना अप्लाई कर रहा है जो कि कराची किंग का अभी तक है, बट बाकी द बाय द वे और खिलाड़ियों को देखे तो सारे के सारे हिट चल रहे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फ्यू गाइस आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट इन द बिलो सेक्शन, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।